Hey guys, welcome to my channel, Razan Pak Damrisa Chaudhary and I am vlogging today. आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा कि मैं जाने की तैयारी कर रहा था और आज मैं फाइनली निकलने वाला हूँ। और मैंने कल वाले व्लॉग में बोला था कि आउटफिट ट्रायल करने के बाद मैं कुछ एक डिसाइड हुई, क्या डिसाइड हुआ है वो भी बताते हैं। सबसे पहले करते हैं इस व्लॉग को कंटिन्यू। हाँ, तो वो डिसाइड क्या हुआ कि मुझे एक जीन्स लाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि मेरे पास लिटरली ब्लैक कलर में मेरे पास 5 जीन्स है, हर तरह की फिटेड, स्ट्रेट फिट, बेल बॉटम, लेकिन मैं 500 की 5 जीन्स उस पर जा नहीं रही। तो अभी मुझे जानी है सबसे पहले जीन्स लेके उस शर्ट के मैचिंग में लेके आनी है जीन्स। तो अभी चलते हैं बाहर और लेकर आते हैं जीन्स। इस इंसान को उठाने में इतना संघर्ष करना पड़ा है, मतलब इन्हें शर्म नहीं आ रही कि मुझे आज जाना है। मुझे वैसे ही जल्दी हो रही है, ये 11 बजे सो उठ रहे हैं और जबकि कल रात मेरे से बोल दिया था सुबह 10:30 बजे जा जाऊंगा। बोल रहा था तुम्हें कहीं नहीं जा रहा, नीचे बैठ के बात हो रही थी हमारी, ठीक है 10:30 बजे साथ जा रहा। अबे तो तुझे समझना था ना ये बात, फिर जाना था। 11 बज रहे यार, बताओ अभी तक कैसे उठ सकता है कोई इतनी लेट। तुम ये बताओ आज पहले, और अभी भी जल्दी उठवा दिया। अगर मैं ना था भाई, ये तो चिट पड़ा था 12 बजे तक भी, इसके आगे आगे भी चलता रहा इसलिए इतनी जल्दी उठ भी गया। अभी हम पहुंच जाते हैं जीन्स लेने और फिर देखते हैं कि कौन सी जीन्स लेंगे, क्योंकि उसके लिए ही तो बहुत टेंटरम है, मतलब सड़े दर्द हो गए जीन्स की वजह से मेरे। भाई फाइनली जीन्स, अब पता नहीं ये कैसी जाएगी, कपड़े तो ले तो लिए, सोच के कैसी जाएगी। मैं जीन्स लेके घर आ चुका हूँ यार, ब्लैक में लिटरली कोई ऑप्शन ही नहीं था, जैसा भी था जल्दबाजी का काम था। अब जो भी मुझे मिला मैं लेके आ गया और अभी मैं खा रहा हूँ अपने फ्रूट्स। मैंने आके फ्रेशन अप हो लिया, नहा धो लिया, मैंने अपना बैग भी नहीं पैक करा था आज, लिटरली अब बैग भी पैक कर लिया। मैंने पैकिंग अपनी करते हुए नहीं दिखाई क्योंकि जो भी सामान रखा है सारा ना मेरा मीटिंग वाले डे का है। और मैं बताता हूँ मीटिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, उसकी चीजें हम पहले रिवील नहीं कर सकते जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, ना अपना आउटफिट दिखाया, ना दिखाया क्या क्या सामान रखा है इसी रीजन की वजह से। अभी मैं फटाफट फ्रूट्स खा लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, निकलना भी है भाई। अब मैं निकल चुका हूँ और भाई छोड़ के आ रहे हैं। ये कैब कुछ जानी पहचानी से लग रही है आपको, धूप लग रही है भाई सामने से। ये कैब तो इतनी है जो मैंने अभी आ ली है और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है 3:20 की और मुझे ये लग रहा है कि 3:40 की ट्रेन है। मैं गया और अभी हम बहुत ही तेजी की तेज जा रहे हैं, बुक करके बहुत लग रही है। कैब पहनोगे यार, ये क्या कुछ कहना चाहोगे आप, मुझे कुछ कहना चाहोगे, कुछ भी दो शब्द। टाइम से पहुंची और रेल मत छुड़वा लियो। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पहुंचेंगे, ट्रेन नहीं छुड़वाएंगे और बाकी हम एक्टर बन के वापस आएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे जा रहा हूँ मैं घूमने फिरने की तरफ जा रहा हूँ। बाकी तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा जहाँ कह रहा हूँ। अभी तो मैंने बस ये बताया कि उत्तराखंड जा रहा हूँ, उत्तराखंड में कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बताया, और ये भी नहीं पता कि मैं आगे व्लॉग बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। बस कोशिश जारी है और यही कोशिश की उम्मीद पे ये भी ये क्लिप्स बना रहा हूँ। जिसका डर था कि ट्रेन मतलब ट्रेन ना छूट जाए, लकीली ट्रेन मिल चुकी है। ट्रेन बहुत ही जल्दी आ गया भाई, स्पेशली भी 2:59 हुए और मैं घर से मतलब 2:10 पे मैं मेट्रो पे पहुंचा और 2:15 पे मैं निकला था और अभी मैं पहुंच चुका हूँ 2:59 पे। 3:20 का टाइमिंग है ट्रेन का, मैं ऑन टाइम हूँ बिल्कुल, बहुत जल्दी पहुँच गया, स्पीड की ताकत देनी पड़ेगी मेरी। और मैंने कुछ खाया नहीं था घर से, ना मैं फ्रूट्स लेके निकला था, वही खा लूँगा फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि मैं लंच नहीं करा। जब जाता हूँ ना मैं कहीं वजह से भूख भूख नहीं लगती रोटी वोटी खाने की। बाकी अभी आपको अपनी ट्रेन जर्नी शेयर करेंगे इस ब्लॉग में, और अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हम कहाँ जाएँगे, उत्तराखंड जाएंगे। पहुँच के बताऊँगा कि कहाँ जाएंगे। Thank you.
रेलवे स्टेशन से नीचे उतर गया, रिक्शा कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ नानी घर, क्योंकि मेरा जो काम है मतलब मीटिंग है वो है रुड़की में। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रुड़की जा सकता था दिल्ली से वैसे डायरेक्ट, लेकिन मतलब रात तो निकलना पड़ रहा था मुझे बेकार। तो मैंने डिसाइड करा कि एक दिन स्टे कर लूँगा, अब बस एक ही दिन स्टे कर रहा हूँ। इस वजह से मेरे कजन भी गुस्सा हो चुके हैं मेरे से, मतलब वो चाहते थे कि अब मैं आ रहा हूँ तो थोड़े दिन, वो ऑफकोर्स यार सब कोई चाहता है कि अगर कोई आ रहा है तो एक दो दिन रुके। तो अब मैं यहाँ पे आ जाया हूँ और कल सुबह एकदम मैं निकल जाऊँगा, फिर परसों वापस दिल्ली, ये प्लान है अभी तो। और अभी मैं रिक्शा करके जा रहा हूँ घर पे, एक बार घर पे चलते हैं। घर पे जाने के बाद मुझे सुनने को मिलेगी ये मुझे पता है, बट यार मैं क्या करूँ, मैं इस टाइम नहीं रुक सकता क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा ना काम है इसी वजह से। बाकी एक बार घर पहुँच जाते हैं, उसके बाद अगर हो सका ना तो मैं वॉइस रिएक्शन कैप्चर ज़रूर करूँगा घर वालों का। और सबसे पहले अभी मैं घर से फ्री होकर आ चुका हूँ सैलून, क्योंकि मैंने रेडी नहीं होना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ग्रूमिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था दिल्ली में, इसलिए मैं यहाँ आके ग्रूम हो रहा हूँ। और अभी सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं हमारा हेड वॉश, उसके बाद क्या करेंगे भाई हम, उसके बाद हेयर कट। भाई मेरे बाल लंबे हैं, मुझे लंबे रखना है, तो बस ट्रिम इतने करना है कि शेप आ जाए है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं यार। लिटरली बस अच्छे से ग्रूम हो जाए क्योंकि मैं पहली बार ऐसे ट्राई करूँगा। वैसे तो पुनीत ही करता था हमारे भाई, मतलब परमानेंट एक बंदा वही करता था मेरे बाल में ज़्यादा। उसके अलावा मैं पहली बार ट्राई करूँगा, स्टाइल ही करवाए थे लास्ट टाइम जो हमने आपसे कटवाए नहीं थे, बट अब के बीएड भी आपके हवाले, बाल भी मुँह भी सब कुछ आपको बेहतरीन करना है, हमें मीटिंग के लिए अच्छा रहना चाहिए। तो भाई अभी करवा लेते हैं अपना हेड वॉश। हो चुकी है भाई मेरी कटिंग, बाल तो मैं बड़े ही रख रहा हूँ, तो मैंने बाल अपने करवाए नहीं है। और मैंने अपने बियर्ड भाई बहुत अच्छे से ग्रूम कराए भाई ने, मतलब मुझे जैसा भरोसा सा नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं भाई ने बढ़िया करा, बियर्ड एकदम क्लीन, मुस्टैच एकदम ठीक। अब मुझे करना है भाई D10, उसके बाद हम कर लेंगे बाल सेट। तो भाई भी कर दो D10।